नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर UGC CBSE नेट। मैं हूं अंकित कुमार साहू राजवीर और हाजिर हूं आपके साथ आज NTA नेट 22 दिसंबर को होने वाले हुए पेपर इंग्लिश की आंसर की लेकर के। दोस्तों, इसमें पहले अपने वीडियो में आपको 50 क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करूंगा और जो मेरा अपकमिंग वीडियो होगा उसमें मैं 50 क्वेश्चंस का जिक्र करूंगा। दोस्तों, कुछ मानवीय गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि मैं भी बहुत सारी बुक्स के रेफरेंसेस लेकर के बहुत सारी जगहों से आंसर्स को देखता हूं। अगर वो आंसर जो मुझे लगता है कि हाँ ये सही है तो मैं उसको पुट करता हूं। दोस्तों, अगर मुझसे इसमें गलतियाँ हो जाती हैं तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक का सफ़र। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके बायरन, लॉर्ड बायरन से मतलब पूछा गया है, उनके वर्क से पूछा गया है। इसमें पूछा गया है द आइजल ऑफ ग्रीस किस वर्क में लॉर्ड बायरन के है, तो वो है आंसर आपका मतलब किस राइटर का जिक्र है आइजल ऑफ ग्रीस में, तो वो आपका आंसर है सापफो, यानी कि आंसर नंबर 3। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें है व्हाट इज़ द डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट ऑफ एंड्रू मार्वल्स होरेसियन ओड, उनका डेलिकेटिंग बैलेंसिंग क्या है एंड्रू मार्वल का जो उन्होंने होरेसियन ओड लिखा, तो इसका भी आंसर आपका 3 है, जो है सेलिब्रेटिंग क्रॉमवेल्स विक्टोरीज वाइल इनवाइटिंग सिंपैथी फॉर द एक्सक्यूटेड किंग, यानी कि क्वेश्चन आंसर नंबर 3 आपका सही है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन दिस नॉवल बाई ग्राहम ग्रीन, यानी कि ग्राहम ग्रीन का एक ऐसा नॉवल है जिसमें जो कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब चोरी करने के लिए क्लैरिसा हॉलरो को बुक केस बना करके उसके सामने जो है उनको सबसे पहले फ्रंट में प्रस्तुत किया जाता है। पढ़ देता हूँ मैं। इन दिस नॉवल बाई ग्राहम ग्रीन ए डबल एजेंट यूजेज क्लासिकल वर्क ऑफ फिक्शन टू इनकोड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, ही पुट क्लैरिसा हार्लो बैक इन बुक केस इज द फर्स्ट क्लू टू हिज ट्रेचरी, देन ही ड्रॉज ऑन वार एंड पीस एंड द वे वी लाइव नाउ एज मैट्रिसेस फॉर सीक्रेटली ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई दी नॉवल, तो वो नॉवल है आपका अवर मैन इज हवाना, यानी कि 3 आंसर इसका सही है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच वाल्टर स्कॉट नॉवेल इज सेट इन फ्रांस इन द 15th सेंचुरी, तो इसका आंसर है आपका क्विंटिन डरवार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। आगे हम आते हैं 5वें पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन राजमोहनाज वाइफ इज नॉट ट्रू, यानी राजमोहन की वाइफ के बारे में कौन सा जो है ऑप्शन सही नहीं है, तो इसमें से आप देख रहे हैं ना 4, बंकिम चंद्र पब्लिश्ड इट सून आफ्टर सीरियलाइजेशन एंड वाज इलेक्टेड इन सीइंग इट्स फर्स्ट कॉपी, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो 4 आपका सही है। आगे हम आते हैं 6वें पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द वे ऑफ द वर्ल्ड, वे ऑफ द वर्ल्ड के लिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो वो है द वे ऑफ द वर्ल्ड फेल्ड ऑन स्टेज, जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर है वो यही है द वे ऑफ द वर्ल्ड मतलब फेल्ड ऑन स्टेज, स्टेज पर ये फेल हो गया था। इसके बाद हम 7वें पर आते हैं। व्हाट इज ऑनर अ वर्ड, व्हाट इज दैट वर्ड ऑनर, एयर अ ट्रिम रेकनिंग, हु हैथ इट, ही दैट डाइड ओ वेडनेसडे, दैट ही फील इट, नो दैट ही हियर इट, नो इट्स इनसेंसिबल देन, यह टू द डेड बट विल इट नॉट अलाइव विद द लिविंग, नो व्हाई, डिट्रैक्शन विल नॉट सफर इट, देयर फोर आई विल नन ऑफ इट, ऑनर इज ए मेयर स्क्यूचियन एंड सो एंड्स माई कैचेज। तो इसका जो आंसर है मतलब ये जो आपका स्पीच है वो स्पीच है एक्चुअली में फाल सिस्टम का इन किंगरी किंग हेनरी 4th पार्ट 1 में, तो इसका आंसर होगा आपका 3। आगे आते हैं हम, आपका देखते हैं 8वां क्वेश्चन। थॉमस नेस द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर इज नरेटेड बाय, तो जो थॉमस नेस का अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर है वो नरेट किया गया है किसके द्वारा, जैक बिल्टन का, जो इसका मतलब द लाइफ ऑफ जैक बिल्टन एंड इंग्लिश पेज इसका जो है सब टाइटल भी है, तो इसका ऑप्शन है 4। आगे हम आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। डीकंस्ट्रक्शनिस्ट क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट टेक्स्ट आर नेवर फ्री फ्रॉम, तो डीकंस्ट्रक्शनिस्ट ने क्या कहा कि जो है जो टेक्स्ट होती है वो किससे कभी भी फ्री नहीं होती है, तो जो डीकंस्ट्रक्शनिस्ट आर्ग्यू किस बात पर करते हैं, वो कहते हैं कि द मटेरियल कंडीशंस दैट डिटरमाइन द प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन, ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर है। इसके बाद हम आगे देखते हैं अगला जो है क्वेश्चन नंबर 10। वी नो नाउ दैट अ टेक्स्ट इज नॉट अ लाइन ऑफ वर्ड्स रिलीजिंग अ सिंगल थियोलॉजिकल मीनिंग अ मैसेज ऑफ ऑथर्स गॉड बट अ मल्टी डायमेंशनल स्पेस
in which a variety of writings, none of them original, blend and clash. Literature, by refusing a shine or secret and ultimate meaning to the text and to the word as text, liberates what may be called as anti-theological activity, an activity that is truly revolutionary, since to refuse to fix meaning is, in the end of refuse, God and his hypotenses, religion, science and law. ये कहाँ पर ये कहा गया है एक्चुअली में, ये वर्क है जो है रोलैंड बार्थ का डेथ ऑफ आथर में, ये लाइन्स जो है आपके डेथ ऑफ आथर से ली गई हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डेथ ऑफ आथर बाई रोलैंड बार्थ। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, वो है 11। सर्च द हेड्स ऑफ ग्रेटेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड, यू शैल फाइंड देम बट बबल्स ऑफ वाटर। ये एक्चुअली में किसने कहा, हु इज़ द आथर ऑफ दिस लाइन, तो ये इनका आथर है जो है वो है जॉन बेब्स्टर, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है वो है जॉन बेब्स्टर। अगले पे हम आते हैं 12 में, व्हाट इज पेकुलियर अबाउट द रेफरेंस इन द फॉलोइंग टू सम पोएट्स नेम इन द प्लूरल, इट इज़ फ्रीजिंग bleak day in January and I am looking for poetry, I see a few Chaucer, a few Shakespeare's and a hardcover $3 history of modern poetry published in 1987. एक्चुअली में जो उन्होंने यहाँ पर वर्ड किया हुआ a few Chaucer, a few Shakespeare's, तो मतलब वर्क के बारे में बात की गई है, Chaucer's के वर्क के बारे में, Shakespeare के वर्क के बारे में, तो इसका आंसर जो होगा वो है 2, साइनर डकी यूज नेम फॉर देयर रेस्पेक्टिव वर्क्स। 13वां पे आते हैं हम 13वें क्वेश्चन नंबर पर, आ व्हाट अ ट्रिफल इज अ हर्ट। एक्चुअली में ये जो लाइन दी गई है वो जॉन डन की है। इन लाइन में पूछा गया कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या, विच सेंटेंस बेस्ट पैराफ्रेजेस लाइन 5 ऑफ द पैसेज एबव, इसकी पांचवी जो लाइन है तो हम देख लेते हैं 1, 2, 3, 4 and 5, दे कम टू अस बट अस लव ड्राज। तो एक्चुअली में इसको इसके किस सेंटेंस, मतलब किस सेंटेंस में इस सारी बात को बेहतरीन तरीके से बताया गया है, तो इसका जो है आंसर होगा वो है 4, अनबिडन पेन एफ्लिक्ट्स अस बट वी आर लोर्ड बाई लव। इसका जो आंसर सही होगा वो कौन सा है, 4। आते हैं हम अगले अपने क्वेश्चन पर, हु अमंग द एंशियंट्स प्रिस्क्राइब्ड दैट पोएट्री शुड बोथ इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट। ये पिछले बार भी नेट में पूछा गया था, जैसे कि मैंने अपने पिछले एक जो मैंने रिव्यू अपलोड किया था उसमें भी मैंने बात करी थी। तो इसमें एक्चुअली में जो राइट आंसर है वो है आपका, जो राइट आंसर है एक्चुअली में दोस्तों वो है आपका होरेस, यानी कि 4th ऑप्शन इसका सही है। आगे आते हैं हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, मैच द राइटर विद द वर्क। अब हम राइटर को जो है वर्क्स के साथ मैच करना है, तो चलिए एक बार हम मैच कर लेते हैं एक्चुअली में, तो जब हम मैच करेंगे तब देखते हैं। देखिए दोस्तों कि एक्चुअली में हम जब दो वर्क्स को मैच कर लेते हैं तब हम जान जाते हैं कि इसका आंसर क्या है, अगर ऐसा गेसिंग भी अगर नहीं आ रहा है आपको। देखिए हम देखते हैं, जैसे थॉमस हॉब्स की जो है लेवियाथन वर्क है, हमने एक मैच कर दिया, दूसरा हम मैच करते हैं, देखते हैं कि जॉर्ज पुटनहैम जो एक हिस्ट्री राइटर हैं, उन्होंने सोसाइटी के बारे में लिखा, स्टेजेस के बारे में लिखा, तो जब वो स्टेज के बारे में उन्होंने लिखा तो उनका जो वर्क है वो है फर्स्ट, ए का होगा 4th ऑप्शन, तो हम ए को 4th से मिला देते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किसमें डी 1 है और ए 4 है, तो डी 1 और ए 4 को हम देखेंगे। देखिए जिस इतने जो ऑप्शन आपको जो भी दिख रहे हैं उसमें कोई भी नहीं है, तो अगला जो ऑप्शन होगा ये देखिए ए 4 है, इसमें ए का 4 है और जो है बी का 3rd है, सॉरी ए 4 है और डी का 1st है, ये बिल्कुल सही आंसर यही होगा जो 4th आपका ऑप्शन है, यानी कि वो राइट आंसर होगा, राइट मैचिंग होगी। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे, 16, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो इन दिस प्रेटी पेस फ्रॉम डे टू द लास्ट, और फिर इसके बाद दिया हुआ है स्पेस, फिर इसके बाद, यानी कि यह स्पीच एक्चुअली में पूछना क्या है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द सेट दैट कैरीज द करेक्ट वर्ड्स। एक्चुअली में ये जो स्पीच दी हुई है ये स्पीच आपके मैकबेथ से ली गई है, और मैकबेथ में एक्चुअली में ये क्रीप्स स्लेबल स्ट्रट्स एंड हर्ट्स, एक्चुअली में ये जो है उसमें वर्ड्स आपको इसमें फिल करने हैं, तो पूरा अगर स्पीच आप पढ़ेंगे तो खुद ही आप जान जाएंगे, क्रीप्स लेबल और स्ट्रट्स एंड हर्ट, ये आपके राइट ऑप्शन है पहला नंबर का। हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 17वां, रीड एडम वेड, यानी कि किसने रीड किया, एडम वेड को रीड करने के बाद कौन था जिसने कि एक्चुअली में जो है पेंटिंग सीन्स भी उस नॉवेल्स के बनवाए, तो वो है आपका जो राइट आंसर होगा वो है क्वीन विक्टोरिया, तो राइट आंसर आपका 2 है, वो है क्वीन विक्टोरिया। अगले पे हम आते हैं
There are helpers and hammers among fellow pilgrims in Christian's journey in pilgrim's progress. Who among the following is not a helper? इनमें से कौन जो है हेल्पर नहीं है? तो इनमें से जो हेल्पर नहीं है तो वो कौन है? वो है मिस्टर वर्डली वाइज मैन. ये जो है हेल्पर नहीं है. राइट आंसर है आपका पहला. आगे हम आते हैं. द रोमांटिक पीरियड प्रोड्यूस्ड अफेयर अमाउंट ऑफ ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म. अ नोटेबल एग्जाम्पल इज ऑन द नोकिंग एट द गेट इन मैकबेथ. ऑन द नोकिंग इन द गेट इन मैकबेथ जो है ये आपका कहाँ है, किसने लिखा है? जो ये एशे है वो ऐसे जो है लिखा हुआ है आपके थॉमस डी क्विंसी ने. राइट आंसर है आपका थर्ड, थॉमस डी क्विंसी. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल मीटर्स. फिर आपको खाली प्लेस में भरना है. इज ए 5 foot लाइन. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई चौशर इन 14th century एंड हैज सिंस देन बिकम द कॉमनेस्ट ऑफ मीटर इन इंग्लिश पोएट्री. तो इसमें जो पेंटामीटर है दोस्तों, एक्चुअली में पेंटामीटर यानी कि जो पेंटामीटर है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ दोस्तों. बिल्कुल पेंटामीटर ही आपका राइट आंसर है और ये बहुत ही ज़्यादा जो है पॉपुलर हुआ था और इसको चौशर ने 14th century में यूज भी किया था. आगे आते हैं हम. Which of the following themes was not common to the works of Cavalier poets such as Thomas Carew, John Denham, Edmund Waller, Sir John Suckling, James Shirley, Richard Lovelace and Robert Herring? Actually में जो इसमें जो है ऑप्शन है जो मुझे करेक्ट लगा तो वो लॉयल्टी टू द किंग. मुझे लगा कि लॉयल्टी टू द किंग, लेकिन मैं इस पर बिल्कुल कंफ्यूज हूँ. मैं इस पे राइट नहीं कहूँगा लेकिन मैं एक गेस करता हूँ बस दोस्तों. तो देख लेते हैं हम इसको. ऑप्शन तो मार दे रहा हूँ लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये सही होगा क्यों. एक्चुअली में मुझे इसके बारे में बहुत पता नहीं है. आते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन पे. विच पोस्ट वार ब्रिटिश पोएट एंड्स अ पोएम विद द लाइन गेट स्टीव्ड बुक्स आर ए लोड ऑफ क्रैप. ये इसमें से जो आपके राइट आंसर है वो है फिलिप लार्किन. आपका पहला ऑप्शन यानी फिलिप लार्किन ने ये लाइन लिखी हुई है एक्चुअली में. अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं. द फॉलोइंग लाइन्स आर डब्ल्यू बी एट्स मेटाफर फॉर एन ओल्ड मैन. ये जो लाइन्स है बाइजेंटियम पोएम से आई हुई हैं और बाइजेंटियम पोएम में एक्चुअली में जो है आपके डब्ल्यू बी एट्स ने बात की है. ये अ टैटर्ड कोट अपान एन ओल्ड मैन इज बट अ टैटर्ड कोट अपान अ स्टिकनलेस सोल क्लैप्स इट्स हैंड एंड सिंग एंड लाउडर सिंग फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉर्टल ट्रेस हेयर द एज्ड मैन इज. और आपको बताना है कि एज्ड मैन को किस रूप में यूज किया है और सोल इन द मोर्टल ड्रेस इज और सोल मोर्टल ड्रेस में क्या है. तो एक्चुअली में ये आपका एग्जांपल है टेनर और व्हीकल का. हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे 24 पे. रियलिटी इज दैट नथिंग हैपेंस हाउ मेनी ऑफ द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री हैव ऑकर्ड आस्क योरसेल्फ फॉर दिस एंड फॉर दैट रीजन बट फॉर नो अदर रीजन फंडामेंटली देन द डिजायर टू मेक थिंग्स हैपन. आई प्रेजेंट टू यू हिस्ट्री द फॉरवेकन द डाइवर्जन द रियलिटी ऑब्सक्यूरिंग ड्रामा विच पोस्ट मॉडर्न नॉवल दस सबवर्ट्स द ट्रूथ क्लेम्स ऑफ ट्रेडिशनली हिस्टोग्राफी. तो ये जो है एक्चुअली में किसका वर्क है? ये है ग्राहम स्विफ्ट का वाटरलैंड है जो उसकी बात है हो रही है एक्चुअली में. इसका आंसर है 3 ग्राहम स्विफ्ट्स वाटरलैंड. हम अगले पे आते हैं. द इन एंडिंग टू डेनोट द प्लूरल नाउन्स एज इन ऑक्सन चिल्ड्रेन ब्रीथरेन हैड सर्वाइव फ्रॉम द. तो एक्चुअली में ये जो बात हो रही है एक्चुअली में तो मिडिल इंग्लिश हाइमंस एंड चैंस इन इंग्लिश पैरिसेस. कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एंग्लो नॉर्मन केस ऑफ मेकिंग प्लूरल नाउन्स, लेकिन मैं एक्चुअली में दोस्तों मिडिल इंग्लिश हाइमंस के साथ हूँ और ये ऑप्शन आपका पहला ही इसका राइट ऑप्शन होगा. आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे 26 पे. What comes after great pain in the famous Emily Dickinson poem? Actually में जो दोस्तों Emily Dickinson की poem है after great pain the formal feeling comes. ये जो poem है तो ये after great pain a formal feeling comes. ये जो opening lines ही हैं उस poem की a formal feeling. यानी कि आपका option number 3 is the right answer. आगे आते हैं दोस्तों हम 27 पे. The following epitaph was written by Rudyard Kipling during the war of 1918 हिंदू स्पॉय इन फ्रांस. एक्चुअली में इसमें आपको फिल करना है तो ये फिल करना है. इसमें एक्चुअली में जो फिल करना है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला द डिवाइन पावर्स एंड आवर कंट्री. तो एक्चुअली में यही आपको सीधा सा फिल करना था. राइट आंसर आपका पहला ही है.
आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, वो है इन द स्प्रिंग ऑफ 1941 निकोस काजान टकेस एम्बार्क्ड ऑन वन ऑफ हिज मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट अ प्ले नोन एज यंग टेजे, व्हाट इंग्लिश ग्रीक टाइटल इज इट नाउ नोन एज। तो ये जो इसका यंग टेजे का जो एक्चुअली में टाइटल है ग्रीक और इंग्लिश में वो है बुद्धा, बुद्धा इज द राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। हम आते हैं आगे, द टर्म डिगर इज एसोसिएटेड विद अ ग्रुप ऑफ एग्रेरियन कम्युनिस्ट हु फ्लरिश्ड इन इंग्लैंड 1649-15 एनवर्ड लेड बाय। तो एक्चुअली में जो इसका ऑप्शन है वो डिगर, वो किससे रिलेटेड है, वो है जेराड बिंस्टले से। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 इज द राइट आंसर दोस्तों, ये आपका थर्ड आंसर जो है सही है। 29 के बाद हम 30 पे आते हैं, एलन टेट वंस मेड अ यूजफुल डिस्टिंक्शन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर, द डिस्टिंक्शन रेफर टू। तो ये जो डिस्टिंक्शन है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये जो डिस्टिंक्शन है एक्चुअली में एलन टेट से हर बार क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। तो ये जो डिस्टिंक्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर 4 में, द रेटोरिकल स्टाइलिस्टिक मेटाफोरिकल एंड अदर डिवाइसेज एंड द मेन लाइन ऑफ नरेटिव आर्गूमेंट ETC। यही आपका जो है आंसर राइट है, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, 31 विच इंटरप्रिटेशन ऑफ किड्स ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी बेस्ट रिप्रेजेंट्स द माइमेटिक पर्सपेक्टिव। जो माइमेटिक पर्सपेक्टिव है तो वो किड्स की ट्रुथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रुथ, ये किस में जो है एक्चुअली में है। तो अगर मैं अपने हिसाब से जो बेस्ट तरीके से मैं बताना चाहूँगा तो वो है थर्ड ऑप्शन आपका, द लाइन इज एन आयरोनिकल कोटेशन, द इक्वेशन ऑफ ब्यूटी एंड ट्रूथ एंड ऑल वी नो ऑन अर्थ स्ट्रगल दैट रियलिटी इज एन इल्यूजनरी कॉन्सेप्ट एंड दैट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आर्टिस्ट टू कंस्ट्रक्ट अ वर्ल्ड विद इन एन एस्थेटिक रियलिटी ऑफ इट्स ऑन। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हम क्लिक करते हैं वो ऑप्शन सही है। अब बाकी तो जो अब आपकी ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तभी आपको पता चलेगा दोस्तों। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 32 पे, 32 है मैच द आथर विद द टाइटल। अब हमको फिर से आथर्स को मैच करना है टाइटल के साथ। तो दोस्तों मैंने बताया था कि आथर मैच करने के लिए आप एक ट्रिक यही आप अपनाते हैं कि देखते हैं कि किस आथर को मैच करने से कौन सा वर्क है। तो एक ही दो हम देख लेते हैं, चलिए हम मैच करते हैं। वोल्सोइंका का जो वर्क है वो है द इंटरप्रेटर्स, बिल्कुल राइट है। तो हम देख लेते हैं D4 किस में है। तो D4 हम जब देखते हैं तो D4 एक्चुअली में सिर्फ एक ही में है, पहले में है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के पहला ऑप्शन मार सकते हैं, राइट आंसर है आपका पहला ही वोल्सोइंका का जो इंटरप्रेटर्स है, बाकी आपके सारे मैच्ड हो गए दोस्तों। आगे हम चलते हैं 33 पर, हु विव्ड वर्ड्सवर्थ साउदे एंड कोलरिज एज रिप्रेजेंटेटिव अपोजिट सेक्ट ऑफ पोएट्स, यानी कि हु विव्ड वर्ड्सवर्थ सदे एंड कॉलरिज एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सेक्ट ऑफ पोएट्स डिसेंटर्स फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड सिस्टम इन पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म, हु कंस्टिट्यूटेड द मोस्ट फॉर्मिएबल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट साउंड जजमेंट इन मैटर्स पॉलिटिकल। तो एक्चुअली में ये दोस्तों जो इसका ये राइट आंसर है वो है फ्रांसिस जेफरी, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है फ्रांसिस जेफरी। आते हैं हम अगले अपने जो है क्वेश्चन पर, ये जो है लेक पोएट्स की एक्चुअली में फ्रांसिस जेफरी जो यहाँ पर ये बात हो रही है वर्ड्स ऑफ सदे और कॉलरिज की, वो लेक पोएट्स की बात हो रही है, लेकिन इसी क्वेश्चन को जो है यहाँ पर के थोड़ा सा घुमा करके प्रस्तुत किया गया दोस्तों। हम आगे आते हैं 34 पे, निकोलस निकलवाई फर्मली इस्टेब्लिश्ड चार्ल्स डिकेंस एज ए डोमिनेंट नॉवलिस्ट ऑफ हिज टाइम एंड द बुक एज एन अनरिवल्ड लिटरेरी फेनोमेना, टू सेलिब्रेट द कम्प्लीशन ऑफ द बुक अ पेंटर नोटेड दैट There had been nothing comparable to him since the days of Samuel Richardson. Identify the painter. तो वो पेंटर जो है कौन है, वो पेंटर है आपके डेविड विल्की, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है दोस्तों। आगे हम आते हैं, मैच द टर्म विद द थियरिस्ट। अब हमको फिर से टर्म्स को मैच करना है, तो मैंने बताया था दोस्तों फिर हम वही ट्रिक अपनाएंगे और मैच करेंगे इन टर्म्स को, देखते हैं दोस्तों सही है या नहीं। दोस्तों जो नेग्रीट्यूड टर्म है वो नेग्रीट्यूड एमी कैसर का है, तो हम मिला देते हैं A3 को, हम देखते हैं कि A3 कहाँ पर है, A3 दो पर है। चलिए हम एक और देख लेते हैं, जो वेमिनिस्ट टर्म है, वेमिनिस्ट टर्म जो है वो एलिस वाकर का है, तो हम इसको भी मैच कर देते हैं B1। A3 और B1 होना चाहिए एक्चुअली में दोस्तों। तो A3 और B1 हमें मिल चुका है, वो है आपका दूसरा ऑप्शन, आपका राइट ऑप्शन यही होगा दोस्तों।
चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 36 पे। इन थॉमस मूर्स यूटोपिया बुक सेकेंड, द रीडर इज टोल्ड दैट इन दिस न्यू वर्ल्ड देयर आर फ्यू मिस्टेक्स इन मैरिज बिकॉज, यहाँ पर क्या है मिस्टेक्स है, वो है एक्चुअली में कि जो प्रॉस्पेक्टिव हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, यानी ऑप्शन नंबर टू को आप देखें, जो प्रॉस्पेक्टिव हस्बैंड्स एंड वाइफ्स सी वन अनदर नेक्ड बिफोर एग्रीइंग टू मैच, ये जो है फॉल्ट थी एक्चुअली में, और यही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर टू 36 का राइट आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 37 पर आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्टर अ ब्लैक आइड ड्वार्फ हु कॉन्स्टेंटली रिवील्ड अ फ्यू डिसकलर्ड फैंग्स दैट वर येट स्कैटर्ड इन हिज माउथ एंड गेव हिम द एस्पेक्ट ऑफ अ पेंटिंग डॉग। एक्चुअली में ये जो है द ओल्ड क्यूरिसिटी शॉप के डेनियल कुलिप है, ये जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फोर इसका आंसर होगा। दोस्तों हम आते हैं अगले 38 पर। द चैप्टर ऑन द फॉल ऑफ द रूपी यू मे ओमिट, इट इज समवेयर टू सेंसेशनल, इवन दीज मेटालिक प्रॉब्लम्स हैव देयर मेलोड्रामेटिक साइड। द फॉल ऑफ द इंडियन रूपी इन द फाइनल डिकेट्स ऑफ 19th सेंचुरी इज रिफर्ड टू द वन ऑफ द ऑस्कर वाइल्ड्स प्लेज, आइडेंटिफाई द प्लेज, वो प्ले कौन सा है, वो है आपका द इम्पॉर्टेंस ऑफ बींग अर्नेस्ट। एक्चुअली में दोस्तों ये ऑप्शन नंबर थ्री राइट आंसर है। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं 39 पे। वाट एटीट्यूड टूवर्ड्स डेथ वुड यू फिक्स इन सच पोएम एज टेनिसन्स क्रॉसिंग द बार, विटमैन्स डेथ कैरोल एंड किपलिंग्स एल एंड वो। तो एक्चुअली में इनमें जो आपको देखने को मिलता है वो होप देखने को मिलती है दोस्तों, इन सारी पोएम्स में आपको होप देखने को मिलती है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ बटलर्स इंग्लिश, बटलर इंग्लिश के बारे में जो कौन सा जो है आपका बेहतरीन जो है कौन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है, तो बटलर इंग्लिश के बारे में ऑप्शन नंबर फोर पर आते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर फोर देखें, अ मिनिमल पिडगिन दैट इमर्ज ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स इन द मद्रास प्रेसिडेंसी। एक्चुअली में दोस्तों मेरे हिसाब से एक्चुअली में ये आंसर है, लेकिन दूसरा आंसर भी दोस्तों इसका हो सकता है, वो आंसर सॉरी जो है ये है आपका अ पिडगिन आल्सो कॉल्ड किचन इंग्लिश स्पोकन बाय साउथ एशियन इन यूरोप, यानी फर्स्ट ऑप्शन भी इसका हो सकता है। तो दोस्तों ये कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, तो इसीलिए हम दोस्तों इसको नहीं कंसीडर करते हैं, जब आंसर की आती है तब हम इसको देखते हैं। दोस्तों आगे चलेंगे हम 41 पे। इन विच ऑफ द नॉवेल्स डज इटालो काल्विनो कंस्ट्रक्ट हिज नरेटिव थ्रू अ टैरट पैक ऑफ कार्ड्स एंड री इंटरप्रेट द वेस्टर्न कैनन प्रोवाइडिंग न्यू वर्जन ऑफ एडिपस रेक्स फास्ट हैमलेट मैकबेथ एंड किंग लियर। तो ये जो है आपका वर्क जो वर्क है वो है द कासल ऑफ क्रॉस्ड डेस्टिनीज। दोस्तों ये कौन सा है, द कासल ऑफ क्रॉस्ड डेस्टिनीज, तो ऑप्शन नंबर टू आपका सही है। 42 पर आते हैं। द टाइटल ऑफ डायलन थॉमस डेथ्स एंड इंट्रेंसेस वाज टेकन फ्रॉम, जो टाइटल है डेथ एंड इंट्रेंसेस जो डायलन थॉमस ने लिखा हुआ एक्चुअली में वर्क वो कहां से लिया गया है, वो है आपका जॉन डन के डेथ्स ड्यूल से। आगे आते हैं दोस्तों हम 43 पर। हु अमंग द फॉलोइंग आर रेफर्ड टू एज एन स्कॉटिश चौशरियन, तो स्कॉटिश चौशरियन में जो है आपके दो हैं, वो है हेनरी रॉबर्ट हेनरीशन और दूसरे हैं आपके विलियम डनबार। तो हम देखेंगे आप जो है एक्चुअली में इन दोनों को कि किस ऑप्शन में आपके दोनों हैं, तो जो है रॉबर्ट हेनरीसन यानी सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपके फोर्थ में ही मिले हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ में दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर है। आगे आते हैं दोस्तों। इन विच वर्क डज विलियम ब्लेक से दैट मिल्टन वाज अ ट्रू पोएट एंड वाज अ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। दोस्तों मैंने इसका जिक्र अपने रिव्यू पर भी किया था, तो दोस्तों ये जो वर्क था जिसमें विलियम ब्लेक ने बात की कि जो है वो ट्रू पोएट थे लेकिन डेविल्स पार्टी से थे, तो वो जो वर्क है उनका है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, जो है ये वर्क जो है इनका वो कौन सा है, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, ये ऑप्शन नंबर वन आपका राइट आंसर है। दोस्तों हम आगे आते हैं 45 पे। द गुड थिंग अबाउट वर्ड्स हनीफ कुरैशी रिमार्क्स इन लूज टंग इज दैट देयर फाइनल इफेक्ट इज इनकैलकुलेबल, यू कैन नेवर नो व्हाट योर वर्ड्स माइट टर्न आउट फॉर मीन ऑफ योरसेल्फ और फॉर समवन एल्स और व्हाट द वर्ड दे मेक विल बी लाइक, एनीथिंग कुड हैपन,
द प्रॉब्लम विद साइलेंस इज दैट वी नो एग्जैक्टली व्हाट इट विल बी लाइक. एक्चुअली में ये कौन से मतलब किस संबंध में बात हो रही, तो ये जो ऑप्शन आपके सही हैं वो है, फर्स्ट है देयर इज ऑलवेज सम रिस्क इन्वॉल्व इन राइटिंग एंड स्पीकिंग. बिल्कुल रिस्क होता है जब आप लिखते हैं किसी चीज़ को या बताते हैं, तो बिल्कुल रिस्क होता है, बता पाते हैं नहीं. और दूसरा जो है द अनप्रिडिक्टेबल इन डीड इज द स्ट्रेंथ ऑफ वर्ड. और जब आप नहीं कुछ बोलते हैं एक्चुअली, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ पूछा कि क्या मैं ये चीज़ दे दूँ, वो चीज़ मेरी है, मैंने धीरे से इशारा कर दिया, गर्दन हिला दी कि नहीं, तो आपने उस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं समझ लिया. हो सकता है मैं मुँह से कह दूँ दे दो, लेकिन तुम समझ रहे हो या आप समझ रहे हैं कि नहीं मैंने उसके लिए मना किया है, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. यानी फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आपके सही है. हम देख लेते हैं इस कूट में से कौन सा सही है, फर्स्ट और फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर टू फर्स्ट और फोर्थ सही राइट आंसर होगा दोस्तों. आगे हम आते हैं 46 पर. द टिटुलर फिगर ऑफ फेडरिको गार्सिया लोरकाज एलजी लेमेंट फॉर इग्नेसियो सैंजी मेजियास वाज, तो ये कहाँ पर था एक्चुअली में दोस्तों? तो ये जो गार्सिया लोरकाज जो एलगी है इनकी, फेडरिको गार्सिया लोरकाज की, एक्चुअली में ये कौन थे? ये एक पॉपुलर मेटाडोर और राइटर, ये दोनों थे एक्चुअली में दोस्तों. मेटाडोर मतलब वुल्फ फाइटर और राइटर, ये दोनों थे दोस्तों. तो 46 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा. इसके बाद हम आते हैं हु अमंग द फॉलोइंग एग्जेम्प्लीफाइड द रोल ऑफ द पीजेंट पोएट. पीजेंट पोएट में आपके दो हैं, वो है जॉन क्लेयर और रॉबर्ट बर्न, ये दो आपके प्लीजेंट पोएट हैं दोस्तों. तो हम देख लेते हैं कूट में कौन सा सही है. वन और फोर्थ जिसमें है वही राइट आंसर है, वो वन और फोर्थ इसमें दो, यानी ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर. हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे 48 पे. इन ट्रेडिशनल ईएलटी मेथड द मटेरियल द नेटिव स्पीकर इज एलिवेटेड एंड आइडियलाइज्ड अगेंस्ट स्टीरियोटाइप्ड नॉन नेटिव स्पीकर्स दिस टेंडेंसी इज डब्ड बाय एंड्रियन हॉलीडे. तो इसमें एक्चुअली में कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो इसमें एक्चुअली में दोस्तों मैं बहुत कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं कहूँगा कि इसका थर्ड ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन मैं इसके बारे में बिल्कुल श्योरली कन्फर्म नहीं हूँ दोस्तों. आगे आते हैं 49 पे. एर्नॉल्ड वेस्कर इज एसोसिएटेड विद किचन सिंक ड्रामा ए रेदर कंडेंसडिंग टाइटल अप्लाइड टू दी देन न्यू वेव रियलिस्टिक ड्रामा डिपिक्टिंग द फैमिली लाइफ्स ऑफ वर्किंग क्लास कैरेक्टर्स ऑन स्टेज एंड इन ब्रॉडकास्ट प्लेस. टू ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बिगिन विद वन कैरेक्टर डूइंग द डिशेज इन किचन सिंक आइडेंटिफाई द पेयर. तो इसमें से जो दो वर्क हैं वो हैं आपके द किचन और चिकन सूप विद बार्ले, ये दो वर्क आपके हैं. और हम देख लेते हैं कूट में से कि ये दोनों ऑप्शन वन और टू कहाँ पर हैं. तो वन और टू आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आंसर दोस्तों. तो जो आपका ये 49 है उसका थर्ड ऑप्शन वन एंड थ्री. आगे आते हैं 50 और लास्ट मेरे इस वीडियो का क्वेश्चन है. इन इमिटेशन ऑफ विच क्लासिकल पोएट डिड सैमुअल जॉनसन राइट हिज लंडन एंड द वैनिटी ऑफ ह्यूमन डिसेस. तो जो है किसके वर्क्स, इन विच क्लासिकल पोएट डिड सैमुअल जॉनसन राइट हिज लंडन एंड द वैनिटी ऑफ ह्यूमन डिसेस. तो एक्चुअली में दोस्तों इसमें भी सब लोगों का अलग अलग मानना है कि इसमें से ये है, इसमें से ऑप्शन ये है. मैं जुवेनियल को जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जो सैमुअल जॉनसन थे वो जुवेनियल से जो है एक्चुअली में उनको वो ये इमिटेशन कर रहे हैं. तो दोस्तों इसको भी आपको कंफर्म करने की ज़रूरत होगी. तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आप मिलता हूँ मैं अगले जो 50 क्वेश्चन होंगे उनमें मिलूँगा आपसे. फिर आपको मैं बताऊँगा 50 क्वेश्चन के आंसर. दोस्तों मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी होऊंगा क्योंकि ये कोई अनऑफिशियल आंसर की है, यानी कि जो मैंने जहां से जो फैक्ट्स पाए उनके आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूं, ना कि ये आपको ऑफिशियल आंसर की है. और इसमें 100% सही होने की मैं गारंटी नहीं लेता दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि सर आप डाल देते हैं, आपको कुछ आता नहीं है, आप कुछ समझते नहीं किसी चीज़ को. तो दोस्तों इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें. नमस्कार दोस्तों.